कि शादी कर लो हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खीखी खीखी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं। 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेना की बेटी हूं, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास। ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं से अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? वो मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर।